नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब वक्त हो चला है मसले का। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की नहीं बल्कि घोटालों के गठबंधन की सरकार चल रही है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उनके जवाब दे रहे थे। कई दिनों तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करके लौटे हुड्डा ने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के गोदामों में हजारों टन गेहूं खराब होने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गेहूं की रखरखाव में गड़बड़ की गई है और इसकी वजह से लगभग 50,000 टन गेहूं बर्बाद हो गया है। अनाज करोड़ों लोगों के मुंह का निवाला बन सकता था, लेकिन सरकार की लापरवाही और घोटालों की प्रवृत्ति ने सब बर्बाद कर दिया है। हुड्डा ने इसके जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार से कार्रवाई की उम्मीद बेमानी हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी शराब घोटाले, रजिस्ट्री, धान खरीद, बिजली मीटर भर्ती और पेपर लीक समेत दर्जनों घोटाले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों के नाम पर एसआईटी बना दी जाती है और जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और अब सामने नहीं आई है। सबको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इसमें घोटालों को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार नहीं है बल्कि घोटालों की सरकार है और सो बात की जाए तो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कांग्रेस करती हुई नजर आ रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बाद लौटे और लौटते ही उन्होंने पर एक बीजेपी पर एक विस्फोट किया है, एक तरीके से कह सकते हैं, और विस्फोट करते हुए उन्होंने बीजेपी को घोटालों की सरकार बता डाला। और साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की है और उन्होंने कहा कि किसान के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से धान खरीद को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी वो बीजेपी पर सवाल करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से खट्टर सरकार के भर्ती घोटाले जो हैं उसको लेकर अब कांग्रेस लगातार सवाल निशान करती हुई नजर आ रही है। और आज उन्होंने लिस्ट भी जारी की है जिसमें उन्होंने तमाम घोटालों का जिक्र किया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार ने कौन कौन से घोटाले किए हैं और किन घोटालों में जांच लगातार जारी है और किन घोटालों में कार्रवाई की जा रही है और एसआईटी का गठन सिर्फ नाम के लिए कर दिया जाता है। तो घोटालों पर लगातार तकरार जारी है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है। तो आपको बता दें कि कुछ घोटालों की लिस्ट जारी की है जिसमें से पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, ग्राम सचिव भर्ती, ये तमाम घोटाले हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई कितनी है। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब रार जो है वो घोटालों को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल प्रचार से लौटे और उन्होंने सीधे बीजेपी पर वार कर दिया। किसानों के मसले पर भी उन्होंने बात की, लेकिन सबसे ज्यादा वो कटाक्ष करते नजर आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है वो भी घोटालों को लेकर। आज इसी पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विवाह अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रजत पंजेटा जी हैं, इनोले के प्रवक्ता हैं, सर आपका स्वागत है। केवल ढींगरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विपक्ष में इनकी अहम भूमिका है और जनता के मुद्दों को लगातार उठाते हुए नजर आते हैं। आप तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले आपके आरोप। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर घोटालों की सरकार 8 साल के अंदर काम कर रही है और लोग जो है इस सरकार से इस मामले में बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। आप देखिए, 8 साल के अंदर नोटबंदी हुई, उसके बाद ये सरकार लगातार घोटाले पे घोटाला करती रही। बिजली मीटर का घोटाला हो चुका, धान घोटाला हो चुका, रजिस्ट्रियों के घोटाले हो चुके, लॉकडाउन के अंदर शराब का इतना बड़ा घोटाला हो गया और उसके बावजूद एसआईटी बनती है, लेकिन वो एसआईटी जो है वो बेमानी है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सरकार जो है पूरी तरह से घोटाला सरकार मानी गई है और सरकार जो है करीबन इस सरकार के अंदर 37 पेपर लीक हो चुके हैं, ना तो भर्ती हो पा रही है
और ना ही कोई काम कर पा रहा है। और जिस तरीके से एचपीएससी का सेक्रेटरी जो है वो रिश्वत लेते हुए दफ्तर के अंदर पकड़ा गया और जेल गया, इस तरीके से इतने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार के अंदर हुए, जिस तरीके से एक्साइज की शराब गोडाउनों से लूटी गई और उसके अंदर एसआईटी बनी और कोई बंदा पकड़ा नहीं गया आज तक, तो ये बहुत बड़े घोटाले इस सरकार के टाइम पे हो रहे हैं। आम लोग जो है इस सरकार से बहुत बुरी तरह से परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो जो है बिजनेसमैन हो, उसके ऊपर जीएसटी के अनर्गल जो है अमाउंटें लादी जा रही हैं। और जो बुरी हालात जो है, आम सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली मिल नहीं पा रही है, इतनी बुरी हालात में इस समय चरम सीमा पे प्रदेश है और भ्रष्टाचार में सरकार जो है वो लिप्त है। चलिए एक बार चर्चा में सबको ले लेता हूँ ना केवल जी, चलिए लौटेंगे, अभी समय है, चर्चा में सबको ले लेते हैं। यशपाल जी, तमाम आरोप जड़ दिए गए आप पर इसी बीच। देखो ये तो विपक्ष का काम है कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात कहना और आरोप लगाना। पहली सरकारों के अंदर तो घोटाले होते थे और घोटाले कागजों में ही कैद रह जाते थे, फाइलों के अंदर ही कैद रह जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी सरकारें, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जब से मुख्यमंत्री बने, तब से कोई भी चीज सामने आती है उजागर होती है और उस पर काम होता है। ऐसा नहीं होता कि एसआईटी बन गई उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं आएगी। देखो एक संवैधानिक चीजें हैं, बिल्कुल संवैधानिक चीजें हैं, चाहे साल लग जाए, चाहे महीने लग जाए, चाहे दशक लग जाए, इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम है, एक संविधान के अंदर हम सब बंधे हुए हैं। वो जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष का तो काम है कुछ भी बोल देना, किसी चीज को बोल देना कि हाँ जी ये तो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और तो मुद्दा बचा नहीं इनके अंदर, पब्लिक के अंदर ये रह नहीं गए। अब इनके पास यही चीजें बच रही हैं, घोटाले कैसे हो रहे हैं, क्यों हुए हैं। अब इनकी सरकारों के घोटाले आप देखो तो उनकी तो चर्चाएं नहीं हुआ करती, वो तो फाइलों के अंदर कैद है। अगर है तो 1,00,000 करोड़ से कम की बातें नहीं है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आज इस सरकार के अंदर कम से कम अगर कोई चीज सामने आती है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे आम आदमी हो, सभी एक बात जरूर बोलते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री है। तो ईमानदार मुख्यमंत्री मिला हुआ है हरियाणा को और निष्पक्ष जांच करते हैं, निष्पक्ष काम करते हैं। और जिसके चलिए अगर ईमानदार मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस को आखिर क्यों नहीं लगता है यशपाल जी? चलिए जरा जवाब सोच के रखिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा में ले लेते हैं। रजत जी जी ऐसा है कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि एसआईटी नहीं होगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगा जो शराब घोटाला हुआ था उसकी जो अनिल जी ने एसआईटी की रिपोर्ट बंद किया थी, वो आज तक कागज में क्यों नहीं की गई? बार बार अनिल जी तो अपनी तरफ से उन्होंने स्टेप उठाया मगर वो रिपोर्ट दबा दी गई। उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद खनन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक चार्जेस नहीं आई। दादम में हो रहा है, पूरे हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है, अरावली में हो रहा है, एक डीएसपी का सरेआम मर्डर तक हो गया था उसके अंदर। उसके बाद एचएसएससी के अंदर एक के बाद एक 30 से ऊपर पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के साथ साथ आप ये देखिए ब्लैंक चेक मांगे जाते हैं। पहली बार हुआ 25-25 लाख के ब्लैंक चेक मांगे, 1 करोड़ में आंसर की बिकी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद 20-20 लाख लोगों ने एडवांस डील के लिए दिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए दिए, एचसीएस के लिए 350 लाख रुपया। आपके एचपीएससी के ऑफिस में अरविंद नागर जी वाला सारा केस सब जानते हैं, कैसे ओएमआर शीट्स को दो दो बार स्कैन किया गया। उसके बाद डेटा सर्जन के कितने केस पकड़े गए, कितनों के उन्होंने डील कर रखी थी, वो सारी चैट जो है वो विधानसभा के अंदर सारी की सारी चैट 5 करोड़ प्रति कैंडिडेट थी, वो सारी विधानसभा में भी उसका जिक्र हुआ। उसके बाद पेपर एचएसएससी के बहुत से हैं, ग्राम सचिव का अकेला नहीं है, नायब तहसीलदार का है, उसके बाद टीजीटी के पेपर है, वेट फंक्शन का पेपर है, इलेक्शन तहसीलदार है, फायर ड्राइवर है, पीजीटी के सत्रित के हैं, एजीओ और एसएडीओ के हैं। उस देखिए एक बहुत से एक के बाद एक होते रहे हैं एचपीएससी। उसके बाद मैं आउट ऑफ किलोमीटर स्कीम घोटाला इस सरकार में हुआ, अंबाला में स्टेडियम के अंदर बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, नगर निगम में इनके सारे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, करोड़ों सैकड़ों करोड़ के घोटाले, फरीदाबाद का ले लो, उसके बाद पंचकुला में है, उसके बाद भिवानी में भी है, अन्य अलग अलग जगहों पे निगमों में इनका भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है।
उसके बाद दवा खरीद घोटाला हुआ, बारदाना खरीद में घोटाला हुआ। घोटालों की लिस्ट तो आज मेरे पास भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। केवल जी चलिए, रजत जी मैं लौटूंगा आपके पास। केवल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सरकार के अंदर अभी रजत जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभी समय है थोड़ा सा, मैं लौटूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नहीं सवाल मेरा ये है, चलिए पहले सवाल, चलिए आपस में डिबेट नहीं करनी है ना, मुझे भी ले लीजिए ना चर्चा में। केवल जी मेरा भी सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल पहले सवाल छोटा सा केवल जी सवाल, उसके बाद बीजेपी ने जो आपके ऊपर पलटवार किया है उस पर भी जवाब लेंगे आपसे। चलिए देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस का कहीं ना कहीं सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। जनता जो है वो जनादेश बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। अगर घोटालों से भरी हुई सरकार है तो आखिर जनता जो है बीजेपी पर जो अटूट विश्वास है उनका, वो आखिर क्यों बना हुआ है? कहां पे इनको आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए 8 सालों से आप विपक्ष में हैं। जी मैं आपको वही तो बात कह रहा हूं। ये 47 सीटें थी इनकी जब ये 2014 के अंदर आए। ताजा क्यों जाएंगे, अभी आदमपुर उपचुनाव ही देख लीजिए ना, अभी तो जख्म आ रहे ही होंगे कांग्रेस के। मैं वही बता रहा हूँ ना, 2014 के अंदर 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कर आई थी और 2019 के अंदर इनकी सीटें घट करके 40 रह गई। और जहां तक आप आदमपुर की बात कर रहे हो, देखिए 40 सीटें रहने हैं, अगर तो सीटें बढ़ती, अच्छा काम कर रहे होते तो सीटें बढ़ती इनकी, और 40 जब रहेगी तो इनको पूरा मैंडेट भी नहीं दिया लोगों ने। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद जो लोग यमुना पार पहुंचा रहे थे इनको, जिन लोगों ने ये दावे किए थे कि हम तो इस बीजेपी सरकार को, भ्रष्टाचार सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को यमुना पार पहुंचाएंगे, दिल्ली के पार होता है यमुना, वहां पहुंचाएंगे, वही लोग इनके साथी बन गए और 10 MLOs की इनको सपोर्ट दे दी, तभी तो इनकी सरकार बनी। और दोबारा जो भ्रष्टाचार की दोनों पहियों की सरकार बनी, ये दोबारा से दोनों लूटने लग गए। और उस लूट के अंदर धान घोटाला हुआ, जीएसटी घोटाला हुआ, और उसी लूट के अंदर शराब की एक्साइज की लूट की गई, शराब गोडाउनों के अंदर पड़ी थी, उसकी लूट कर ली इस सरकार ने। और उसके बाद कुछ SIT बिठाई गई, क्योंकि SIT बिठाई गई वो उसमें जो शराब वो दुष्यंत चौटाला के पास आता है, बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक करके अनिल विज जो है उनकी जांचें खोलना चाहते थे, लेकिन खट्टर साहब जो है उनको बचाने में लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर है, तो पब्लिक डोमेन के अंदर है, लोग इस बारे में बड़ी तरह से, बुरी तरह से त्रस्त है बीजेपी। चलिए जवाब ले लेते हैं कि आखिर लोग कितने त्रस्त हैं और आप कितने त्रस्त हैं बीजेपी से और बीजेपी आपसे कितनी त्रस्त है, चलिए जवाब ले लेते हैं। आदमपुर के अंदर हमारी 52,000 वोट आई है, ये जो वोट बीजेपी को नहीं मिली है, जो जीत आई है, ये वोट कांग्रेस की थी। जो आदमी जीता है उसको ईडी और इनकम टैक्स के नोटिस इसी आदमियों ने दिए थे, बीजेपी ने उनको हमारे पास से बगैर कारण छीनने का काम जो किया इस सरकार ने, और वो जो कैंडिडेट हमारे से अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी दिखवा दी और नोटिस दे दे के दिखवाई, ये नोटिस दिए बीजेपी ने। और जब वो हमारे इतने सशक्त साथी को लेके जाने का काम किया तो वो कांग्रेस की वोट थी जो उनको मिली, जो भजन लाल जी का गढ़ था उस गढ़ की वोट उनको मिल गई तोते को, और हमारी कांग्रेस की वोट फिर भी 52,000 पड़ी। तो अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की वोट तो है ही नहीं थी, वो वोट कौन है वो काउंट करें तो सारी कांग्रेस की थी। नहीं, देखिए समीकरण मुझे मत समझाइए, ठीक है? ओवरऑल जीत तो बीजेपी की हुई ना, बीजेपी के नेता है ना भव्य बिश्नोई, ओवरऑल जीत पे नहीं जाएंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, चाहे जो मर्जी मान लीजिए इसको, अब आने वाला चुनाव 2024 के अंदर आएगा जिसमें कांग्रेस पूरी सत्ता में आएगी और कम से कम 70 से 80। नहीं एक चीज तो यहाँ पर भी उपचुनाव पर देखिए, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता उपचुनाव पर, ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी साफ हो गई है, क्योंकि आज का चर्चा का विषय उपचुनाव नहीं है ना, उपचुनाव में भी आपको इन्वाइट किया गया था, ठीक है? मैं तो घोटालों की सरकार की बारे में ही बात कर रहा था, आप उस तरफ ले गए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको देखा होगा गोल्लन जी, चलिए जवाब ले लेते हैं जरा, केवल जी जवाब ले लेते हैं ना, चलिए थोड़ी सी। गोल्लन जी MLA है जो बीजेपी सपोर्टेड है, अभी उन्हीं को ही रिश्वत देनी पड़ रही है,
अपने बच्चों को भर्ती करवाने के लिए 19 लाख रुपए। मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा यशपाल जी, 49 लाख लौटूंगा, लौटूंगा केवल जी। यशपाल जी देखिए, मेरे जो इनके क्वेश्चन थे उसका आंसर तो आप इनको दे चुके हो। पब्लिक क्यों नकार रही है फिर इनको, अगर इतने अच्छे इनके मुद्दे हैं और पब्लिक को अगर वो समझ आ रही है कि वाकई में कुछ घोटाले हो रहे हैं, तो बार बार पब्लिक नकार रही है इनको, कौन से इलेक्शन के अंदर नकारा पब्लिक को? अरे सर कैसी बात करते हैं, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, साफ सफाया हुआ नहीं हुआ? 403 वाली विधानसभा सीटों में आपकी दो विधायक बने उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कब नकारा? हरियाणा के अंदर 2019 में चुनाव हुआ था केवल, और इनको 40 सीटें मिली थी 2022 के अंदर, कहां चुनाव हुआ? पहले आराम से बैठ के सुनना सीखिए किसी की बात को, जो सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। सच्चाई ये है, जो एक नारा था विधानसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, कांग्रेस मुक्त देश, वो अगले साल पूरा होने वाला है। आप फिर मोदी जी मान गए कि कांग्रेस युक्त देश है, आप कैसे मान रहे हो? मोदी जी तो खुद मान गए कि कांग्रेस नहीं, कांग्रेस युक्त देश तो होगा ही होगा, क्योंकि विपक्ष में किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा ना। कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है, आप उस पर ध्यान दीजिए। नहीं नहीं, कांग्रेस मुक्त तो नहीं होगा ना, नहीं आप कांग्रेस शोभा नहीं देती घोटालों की बातें, क्योंकि घोटाला जन्नी घोटाले के सरदार हुए। केवल जी, केवल जी सुन लेते हैं जरा, आपके जो सवाल है उनका जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी, यशपाल जी जवाब दीजिए। देखिए अभी अभी घोटालों की जितनी बातें हो रही है, सब पे जितनी बातें, चाहे वो SSC का जो कैंडिडेटों की जगह दूसरे कैंडिडेट बैठे हैं, उनके 15 कैंडिडेट ऐसे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए चीजें क्या होती है, कोई भी सिस्टम बनते ही जिन्होंने क्राइम करना होता है वो तरीके बदल लेते हैं, नए तरीके से क्राइम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हर एक सिस्टम है ये तो, देश का, प्रदेश का, हर जगह अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, क्राइम को रोकने वाले हैं तो क्राइम को बढ़ावा देने वाले भी लोग हैं। लेकिन आप ये दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक प्रदेश को मिला है, 1 अरब मुझे बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री पे किसी का लगा हो। हर चीज को निष्पक्ष जांच करते हैं, निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, 90 विधानसभा में एक जैसा काम करते हैं, सम्मान विकास करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी गलत डायरेक्शन में किसी की भी मदद नहीं करते। और रही बात शराब घोटालों की, शराब घोटालों के अंदर भी जो SIT बनी थी, विजिलेंस इंक्वायरी हुई थी, उसके अंदर भी जो वहां उस टाइम के तत्कालीन आयुक्त थे उनके खिलाफ सिफारिश कर दी गई है, DTO थे जो उनके खिलाफ सिफारिश कर दी गई है, जो फतेहाबाद के दो फर्मों के खिलाफ 1,12,00,000 रुपए जुर्माना लगा दिया, SHO संभाल का SHO गुहाना पर FIR दर्ज करा दी गई। आप बताइए, अब जिसने काम किया गलत, संविधान के अंदर एक सिस्टम है, संविधान के अंदर अगर किसी ने कोई गलत काम किया, कोई क्राइम किया है, तो उसको सजा दी जाती है, वो सजा दे दी गई। और बाकी चीजें जो चीजें सामने आ रही हैं, जिनके खिलाफ सामने आएंगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का हरियाणा की प्रदेश की जनता को एक दिया हुआ वादा है कि ईमानदार सरकार मिलेगी प्रदेश को। और रही बात कांग्रेस की, रही बात दूसरे प्रवक्ताओं की या दूसरी पार्टियों की, मैं तो इन्हीं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने घर को बचाएं, अपने घर को संभाले। सबकी अंतरात्मा जागी है, अभी कुछ दिन बिश्नोई जी की अंतरात्मा जागी थी, अभी कुछ दिनों में फिर आप कहोगे किरण जोशी जी की अंतरात्मा जाग चुकी है, कुछ दिनों के बाद क्या शैलजा जी की जाग चुकी है। अब सबको आप बार 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 ये कहोगे पता नहीं इनकी अंतरात्मा क्यों जागती है। आप अपने घर को संभालने की कोशिश करिए। उनकी रिपोर्ट SIT की सार्वजनिक कहां है, हमने तो देखी नहीं। केवल जी मैं आऊंगा आपके पास, एक कमेंट लेना यहाँ पर चाहूंगा रजत जी का। रजत जी एक छोटा सा कमेंट आपका। निश्चित तौर पे देखिए, जब प्रदेश के ऊपर ना कर्ज बढ़ता है ना, तो अगर घोटाले उसका साफ जो परिणाम है जो रिफ्लेक्ट करता है, अगर ऐसे बड़े बड़े घोटाले, ऐसी गाड़ी खून पसीने की जनता की कमाई जब ये घोटालों में जाती है, तभी प्रदेश के ऊपर कर्ज। आज हरियाणा पे 3,25,00,000 करोड़ का कर्ज है। आप ये देखिए जो माइनिंग के अंदर है, जो CAG की रिपोर्ट है वो ये कहती है, मैं नहीं कहता, ये CAG की रिपोर्ट कहती है। हालांकि ये 50,000 से 75,000 करोड़ तक का बहुत बड़ा माइनिंग का बिजनेस है, जिसे मतलब एक गोल्डन, एक
के नाम से भी बोलते हैं कि ये जो माइनिंग माफिया है, अब 5,000 करोड़ सालाना हरियाणा सरकार को सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से चपती है। तो सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। दूसरा, घोटालों पे अगर एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, अगर घोटाले हुए हैं तो इतना आप देखिए एक के बाद एक घोटाले क्यों हो रहे हैं। आप हौसला देखिए, आप कहते हो अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है, पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही हैं, कोई मीडिया लेके आ रहा है, आप तब उठाते हो स्टेप। विधानसभा में अगर विपक्ष आपको मजबूर करता है, जब जनता के बीच में बातें जाती हैं मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू, इन डिबेट्स के थ्रू, तब जाके आप एक्शन लेते हो। स्विंग वोटर एक्शन समय का अभाव है, मैं माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगा केवल जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा देखिए, क्योंकि आपके सवाल तो अभी खत्म नहीं हुए होंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त का थोड़ा सा अभाव है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज की डेट में हर लोग परेशान इस सरकार से, बेरोजगारी बहुत बुरी तरह से चरम पर है, आंगनवाड़ी के लोग जो है वो सड़कों के ऊपर है, पेंशन मांगने वाले जो हैं उनकी बुरी हालात है, 5,000 लोगों की पेंशन काट दी गई है, जिनके जिन उनको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है, किसी को किसी की कुछ इनकम का बीच में प्रूफ डाल दिया गया है, किस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य बुरी हालात में है, इस समय रोडवेज के कर्मचारी सड़कों पर है, लेक्चरर सड़कों पर है, इस समय जो है इन लोगों ने बहुत बुरी हालात प्रदेश की कर रखी है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी सड़कों पर है, रिश्वत ली जा रही है, कांग्रेस भी सड़कों पर ही है, बिल्कुल 37 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार के अंदर। चलिए थोड़ा चलिए, इसमें कोई भर्ती नहीं कर रहा। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, फाइनल कमेंट यशपाल जी, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए फाइनल कमेंट के तौर पर। देखिए सारी शब्दों तो मैं पहले सारी बातें रख चुका हूं, बस विपक्ष से एक रिक्वेस्ट है, अच्छा विपक्ष बनने की कोशिश करें और अच्छे कामों को सराहना शुरू करें। वो समय गया, जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है और जनता सब कुछ देख रही है, किसको जनादेश देना है ये भी जनता के हाथ में है। और जनादेश जी निरंतर बीजेपी का बढ़ रहा है और सबको पता है, और झूठ की दुकान ये बंद कर देंगे। चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो कांग्रेस के जो आरोप हैं वो अभी भी लगातार बरकरार हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद लौटे तो उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने तमाम घोटाले गिना डाले और एक बार फिर से बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।